यहाँ पे भाई शायद समर में या फिर जब स्कूल खुलते होंगे तो बस आगे रुकती होगी। चलो तो हमने फैसला किया भाई कि आज जाएंगे पैदल चलते चलते ओम्याकोन, जो कि इस गांव से 6 किलोमीटर। टैक्सी से जाना चाहते हो तो आप 500 जाने के लिए कि 500 आने के लिए। तो हमने फैसला किया भाई पैदल ही चल के जाते हैं। कल रात को हम टैक्सी से गए थे, फटाफट देख के आ गए थे। मतलब इनके परिवार ने कहा था रात को अच्छा दिखता है, और हमने देखा वीडियो में, और सुबह जाके फोटोग्राफी करेंगे, मज़े करेंगे। हमारे पास आज 2 बजे तक का टाइम है, फिर वो टैक्सी वाला आ जाएगा हमको 2 बजे लेने, और हमको वापस तुमतोर साइड ले के चला जाएगा। मतलब आगे हम मगधान का रास्ता तय करेंगे। तो हमने सोचा पैदल ही चल लेते हैं भाई। तो वीडियो में आगे बढ़ने से पहले मैं आप सभी लोगों को बताना चाहूंगा कि मैं अपनी ट्रैवल बुकिंग्स के लिए कौन सी ऐप यूज करता हूं। तो मैं यूज करता हूं वीगो ऐप। वीगो एक ग्लोबल ट्रैवल ब्रांड है और इसकी सर्विसेज वेरियस करेंसीज और लैंग्वेजेस में अवेलेबल है। वीगो तब काम आता है जब आपको बुक करनी होती है स्पेशली इंटरनेशनल होटल्स या फिर इंटरनेशनल फ्लाइट्स, क्योंकि ये कंपेयर करता है हंड्रेड्स ऑफ फ्लाइट वेबसाइट्स को और हंड्रेड्स ऑफ होटल वेबसाइट्स को, और आप तक पहुंचाता है चीपेस्ट फेयर। तो इस पे फ्लाइट टिकट मिल जाएंगी, जैसे कि होगी वेबसाइट्स मेक माई ट्रिप, क्लियर ट्रिप, इज माई ट्रिप, या फिर आप डायरेक्टली एयरलाइंस के साथ बुक कर सकते हो, जैसे कि होगी स्पाइस जेट या फिर इंडिगो, या फिर आप डायरेक्टली बुक कर सकते हो वीगो पे। होटल बुकिंग्स ये कंपेयर करेगा, जैसे कि होगी होम रेंटल्स, एयरबीएनबी, या फिर आपको अगर होटल बुकिंग करनी है तो कंपेयर करेगा booking.com, agoda.com, मेक माई ट्रिप और भी बहुत सारी वेबसाइट्स। की जो नई ऐप है वो आपको ऑल न्यू फीचर्स देती है, जैसे कि होगी फन एक्टिविटीज के और IRCTC की ट्रेन बुकिंग्स के। वीगो जो है वो है वर्ल्ड की फास्टेस्ट लोडिंग ट्रेवल ऐप, और ये काम आते हैं लो कनेक्टिविटी में और लास्ट मिनट बुकिंग्स में। डिस्क्रिप्शन में मैंने लिंक दिया है, वहां से आप जाके डाउनलोड कर सकते हो, और ऑलरेडी डाउनलोड कर चुके हो तो अपडेट कर सकते हो। सो डिस्कवर द रियल वैल्यू ऑफ ट्रेवल विद वीगो। क्या दिक्कत है 6 किलोमीटर, कल तो हम 3 किलोमीटर वाले वीडियो में देखा होगा बैगों के साथ पैदल चल के आए थे। तो यहाँ 6 किलोमीटर बिना बैग के चलना तो काफ़ी इजी रहेगा। और देखो थोड़ी देरी हुई घर से बाहर निकले हुए, और ये मेरे मुंह पे बर्फ़ जमनी शुरू हो गई है। तो बड़ा सही है भाई, अभी इस गांव में उनके गांव से बाहर जाएंगे, फिर एक सुनसान सी सड़क आएगी, वो लेके जाइए ओम्याकोन की तरफ। कल रात को हमने देखी थी, तो 2-4 मॉन्यूमेंट है वहाँ पे। पोल ऑफ गोल्ड का मॉन्यूमेंट है, वर्ल्ड वार का मॉन्यूमेंट है, और भी काफ़ी सारे हैं, और एक आई लव ओम्याकोन का बोर्ड भी है, जो कि मतलब, और जब तक मैं आऊँगा ना मेरी ना किए लाल, मतलब अभी तो बहुत कम लाल दिख रही है, मेरे पास वो नहीं है कवर करने वाला, फिर वो कवर करने के बाद ये नहीं जमेगा। तो मैंने कहा कोई दिक्कत नहीं है, फ़ोटो खिंचवानी है, थोड़ी फील भी तो आनी चाहिए ना, तो उसमें ज़्यादा फील आती है। तो मैंने कहा कोई बात नहीं, कवर नहीं करते हैं। फिर एक जगह आप सर्टिफिकेट भी ले सकते हो कि आप ओम्याकोन आए थे, वहाँ पे एक रजिस्टर में एंट्री कर सकते हो अपना नाम, नेशनैलिटी वगैरह, किस डेट को आए थे, ये सब का। तो वहाँ पे भी एंट्री करेंगे आज, और शुभम ने भी करी थी वहाँ पे एंट्री, तो मैं शुभम आप उसको जानते ही होंगे, उसने बताया था कि 4th इंडियन है आप विजिट करने वाला, 2020 में आया था वो। तो देखते हैं 2021 का एंड चल रहा है ये, तो अभी तक कितने और इंडियंस आ चुके हैं, और वहीं जाके पता चलेगा। वो तो आपको एक सर्टिफिकेट भी देते हैं वो 1000 रूबल का, पर हम पैसे तो निकलवा के चले थे कहाँ से, ये कुछ से 34,000, पर हमारे सारे वो ख़त्म हो गए हैं लगभग, तो हमारे पास सर्टिफिकेट को देने के लिए पैसे बचे नहीं हैं। शुभम भी अपना पिछला सर्टिफिकेट ले कर नहीं गया था, उसके पास भी उस टाइम पैसे नहीं बचे थे। तो हम भी सोच रहे हैं कोई और आएगा या फिर कभी और आएंगे तो ले जाएंगे उस टाइम, कोई दिक्कत वाली बात नहीं है। तो जाके देखते हैं कौन से नंबर पे हम पहुँचे हैं। मतलब तो नंबर वंबर का खेल तो ये, मतलब ऐसे में तो मजाक सा लगता है, पहुँच गए वही बहुत बड़ी बात है, पर फिर भी देखेंगे, पता तो चले कौन कौन आया। अभी हम पैदल ही चल रहे हैं, और यहाँ पे भी साइन बोर्ड है, दिखाता हूँ। देखो इस गाँव में भी साइन बोर्ड्स हैं, ज़्यादा तेज ना चलें लोग, पेडेस्ट्रियन क्रॉसिंग का साइन बोर्ड है, और ये पाजी हैं, दाढ़ी देखो सफेद, बुड्ढे हो गए भाजी आप तो, ठंडी इतनी है। देखो ये साइन बोर्ड मतलब होता है कि उस डिस्ट्रिक्ट की या उस गांव की या उस शहर की सीमा अब ख़त्म हो गई। तो ये इनका गांव था, इसकी सीमा अब ख़त्म हो गई, अब हम चलेंगे अनजान रोड पे जो हमको लेके जाएगी ओम्याकोन। चल आप भी चलते रहो भाजी, पीछे पीछे
वैसे चलूंगा पीछे। हाँ हाँ, मैं दिखना भी तो चाहिए मेरे को पीछे। कुछ नहीं है तो भाई, अभी हम जा रहे हैं वॉक करते हुए, शायद 2 किलोमीटर हो गए होंगे भाजी। नहीं हुए, नहीं हुए, 1 किलोमीटर आए हैं। क्या बात कर रहे हो। हाँ भाजी, ये तो मतलब बर्फ में वॉक करना थोड़ा मुश्किल होता है, धस गए भाजी। तो आप देख सकते हो आज भी थोड़ी थोड़ी बर्फ गिरी रही है, मतलब हमको कोई दिन नहीं मिला ऐसा या कुछ भी एंट्री के बाद किसी भी बर्फ ना गिरी है ना। थोड़ी मोड़ी पोड़ी तो गिरती रही है, तो आज भी गिर रही है। अब क्या होगा, थोड़े बहुत दिन गिरेगी, 10-15 दिन, फिर उसके बाद मेरे को नहीं लगता पूरे विंटर कोई भी बर्फबारी होने वाली है यहाँ पे। फिर बस ठंडी ठंड ठंडी ठंड ठंड झेलो, फिर मज़ा नहीं आएगा। तो अभी चल रहे हैं, पता नहीं कितने किलोमीटर के पाजी, अपने अंदाजे लगा रहे हैं, मैं अपने अंदाजे लगा रहा हूँ। मस्त लग रहा हूँ भाजी जैकेट में, बढ़िया लग रहा है एकदम। कुछ सुनाई नहीं देता बर्फ में, जो 4-5 लोग चल रहे हो ना तो कुछ सुनाई नहीं देता। और सब सुन हो गया तो थूक निकल रहा है मुँह से। तो 4-5 लोग चल रहे हैं ना, एक दूसरे की आवाज़ भी नहीं आती, सबकी कचर 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 कचर। तो इसलिए कहते हैं बर्फ में ना, मतलब जैसे मूवीज में देखो बंदा खो गया, क्योंकि पैरों की आवाज़ में इंसान की आवाज़ नहीं जा पाती। हाँ। इसलिए मतलब थोड़ा ही होता है। और देखो हम आ गए पूरे जंगल में, वो दूर गांव दिख रहा होगा आपको, वो गांव छोड़ के आए हैं और उस साइड जाना है मुझे। चलो तो हम आ गए हैं भाई, लगभग 4 किलोमीटर चल के, 2-1 किलोमीटर बचा होगा अभी। पर बर्फ में चलना भाई बहुत मुश्किल है, ठंड का इतना 20 किलोमीटर चल लिए हैं, 20 किलोमीटर चल लिए है ना। हाँ, ठंड का इतना एहसास नहीं है क्योंकि भाई इतनी मोटी जैकेट पहन लिया आज तो मैंने, तो पर पैरों में एहसास आ रहा है कि बहुत ज़्यादा चल लिए। तो चल रहे हैं अभी भी, कुछ 2-1 किलोमीटर बचा है पोल ऑफ गोल्ड का मोन्यूमेंट, तो वहाँ पहुँच के आपको सब दिखाएंगे भाई। आज ओमिया कौन की सैर होगी, हमारे पास 4-5 घंटे हैं। ये देखो सब जा रहे हैं, ये दोनों बच्चे पाजी बीच में, तो यही है। ओ भागने लग गए, सब उसका समझ नहीं। अब अगर मेरे को खाना मिलता रहे ना तो फिटनेस करने की बेस्ट जगह भी, मैंने रेस लगाई उसके साथ तो मैं जीत गया था वैसे, लेकिन मैं कह रहा हूँ कि 1 महीना मुझे खाना मिलता रहे, और अगर मैं मतलब भागता रहूँ तो इंडिया जाके प्लेन जमीन पे भागते ऐसे लगेगा मैं कार से भी तेज भाग रहा हूँ। क्या जोर ज़्यादा लगता है? बहुत ज़्यादा, मतलब जितना हम इंडिया में एक नॉर्मल ग्राउंड में भाग सकते हैं ना, उसका तो 10-20% यहाँ पर भागा जाता है, और इतनी जान लगती है। आ गया ओमियाकोन का बोर्ड, यहाँ लिखा है ओमियाकोन पोल ऑफ कोल्ड, मतलब पाजी ने ट्रांसलेट किया, मतलब पोलिच कोल्ड कुछ लिखा है, तो पोल ऑफ कोल्ड यहाँ थोड़ा सा दूर हो रह गया मेरे हिसाब से, 200 किलोमीटर बस। ये पहुँच गए भाई हम गांव में, और ये कल मैंने पिछली वीडियो में आपको दिखाया था पोल ऑफ कोल्ड का है, उस तरफ से जाके दिखाऊँगा तो दिखेगा। ये गाँव आ गया इनका, चलते हैं अभी गाँव के अंदर अंदर, पानी प्यास भी लगी है। डिपार्टमेंट स्टोर भी दिखाता हूँ यहाँ पर कैसा है। तो यहाँ पहुँच गए हम चल के 6 किलोमीटर, ये है पोल ऑफ कोल्ड का, और यहाँ पे मिनिमम 71.2 लिखते हैं ये लोग, हमेशा ना कोमा लगाते हैं ये लोग, क्योंकि पता नहीं क्या है, प्राइसेस भी आप देखोगे किसी सुपरमार्केट में तो कोमा लगाएंगे, यहाँ पे पॉइंट की जगह मतलब ये कोमा यूज़ करते हैं, डिग्री सेल्सियस तो चलो सही लिख रखा है। और ये बहुत मतलब पता नहीं कौन से सन में गया था, मैं नीचे लिख दूंगा क्योंकि बहुत पहले गया था ये, अभी जब विकीपीडिया पे देखोगे तो आएगा 67.7, मतलब जो लोवेस्ट, देखो नाक कितनी लाल हो गई, तो लोवेस्ट जाएगा 67.7 क्योंकि वो लेटेस्ट रिकॉर्ड हुआ है अभी, और पिछले साल भी मतलब 64, 65, 66 मतलब यहाँ जाता रहता है, ऐसा नहीं है कि मतलब एक बार चला गया और फिर नहीं जाते। यहाँ देखो भाई कैसे बर्फ़ सी लटक रही है ये, तो यहाँ पहुँच गए हैं, एक ही मॉन्यूमेंट है यहाँ पर, आप फ़ोटो खिंचवा सकते हो, इतनी दूर आए तो भाई ज़रूर खिंचवाना। और ये पहुँच गए हम ओमियाकोन में, तो ये आपने देख लिया मॉन्यूमेंट, अब चलते हैं दूसरे वाले पे और फिर चलेंगे तीसरे वाले पे। तीन ही है, तीनों रात को देख लिए थे, पर दिन में देखने का कुछ अलग मन है। और ये इसका पता नहीं क्या धागा सा है, पूरे बर्फ में जम गया ये भी। ऐसा नहीं है, गांव है तो मतलब यहाँ बिजली के खंभे नहीं है, बिजली के खंभे भी हैं, बिजली भी आती है यहाँ पे। और
तो जिस गांव में हम रहते हैं यहाँ से 6 किलोमीटर दूर, वहाँ पे कोई भी सिम कार्ड वर्क नहीं करता है, पर ओमियाकोन में, ये मतलब ओमियाकोन्स की डिस्ट्रिक्ट का पार्ट है और मतलब इसी के नाम पे डिस्ट्रिक्ट का नाम है, तो यहाँ पे सिम कार्ड वर्क करता है, बी लाइन का वर्क करता है। हमने MTS का खरीदा था, पर मेरे जो एयरटेल की सिम है ना वो बी लाइन के नेटवर्क पकड़ रही है, तो मतलब यहाँ पे बी लाइन काम करता है, चारों टावर आ रहे हैं। 4G 3G का नहीं पता, पर काम तो कम से कम करता है। तो मैं प्रेफर करूँगा कि अगर आप इस तरफ आओ तो आप बी लाइन का लेके आना। वैसे ऐसी भी कई जगह ऐसी जहाँ पे MTS काम कर रहा था, बी लाइन नहीं कर रहा था, पर यहाँ पे बी लाइन काम करता है, तो बी लाइन आने का ज़्यादा फायदा है, हमको तो पता नहीं था अब तो। और इनके घर पे वाईफाई था, ठीक ठाक चलता है, 2-4 MBPS की स्पीड थी, तो हमको तो क्या व्हाट्सएप इंस्टा चलाना था, सब चल रहा था मस्त। ये है भाई दूसरा मोन्यूमेंट, ये है उन लोगों के लिए मतलब जो 1941 से 45 World War II थी, तो उसमें जो लोग यहाँ पे जंग में शहीद हुए थे उनके लिए मोन्यूमेंट है ये। तभी यहाँ पे मतलब हर गांव से लोग लड़ने गए थे भाई, सोचो ओमियाकोन जैसी जगह से भी लोग लड़ने गए थे वर्ल्ड वॉर में। ये आ गया आई लव ओमियाकोन का बोर्ड, यहाँ लिखा है सारे सिटीज़ का डिस्टेंस, जैसे देख सकते हो टोक्यो, न्यूयॉर्क, सिडनी। और ये जो बोर्ड है ना, यहाँ पे डिजिटल आता था थर्मामीटर, पर पता नहीं अभी तो चल नहीं रहा है, शुभ में आया था तब चल रहा था, -36 दिखा रहा था तब दिन में, तो अभी तो चल नहीं रहा है। कैमरा भी लगा रखा है पता नहीं क्यों, पर हाँ लगा रखा है। -71 यहाँ पे भी कॉमा ही लिखा है, देखो कॉमा ही आपको दिखेगा या नहीं पता नहीं। ओमियाकोन पोल ऑफ कोलोदना कुछ ऐसा लिखा है। और ये वो वहाँ पे भी था जो मतलब पहले था, पूरी बर्फ़ से ढका जा चुका है, ये धूप निकली है, कुछ फ़ायदा नहीं है धूप का। तो घर से निकले तब हम सोच रहे थे भाई पहुँच पाएंगे यहाँ पे, नहीं पहुँच पाएंगे, क्या होगा, आधे रास्ते से वापस आना पड़ेगा, पर आखिरकार ओमियाकोन पहुँच गए सक्सेसफुली। अब बस वापस और जाना है यहाँ से मगादान तक मेरे को, तो बिल्कुल सक्सेसफुल हो जाएगी ये रोड ट्रिप, पूरा ओमियाकोन गांव घूम लिया। बस अभी एक दुकान पे जाएंगे, वहाँ से पानी वानी लेते हैं, जूस वूस पीते हैं थोड़ा, और फिर वो रजिस्टर वाला ढूंढना है हमको, क्योंकि मतलब कहाँ रजिस्टर में नाम वाम लिखते हैं, सर्टिफिकेट भी देते हैं वो, तो वो भी ढूंढना है। ये दोनों चीज़ करके वापस चलेंगे हम। हम पहुँच गए स्कूल पे, और ये जो स्कूल है ये -55 degrees तक ओपन रहता है, मतलब अभी तो ओपन है पर आज संडे है तो इसलिए बंद है, वरना ये मेरे पीछे है हरी वाली बिल्डिंग जो है, ये -55 degrees तक ओपन रहता है और उसके बाद बंद हो जाता है, मतलब जैसे ही -55 से कम होगा, ज़्यादा होगा तो ये खुल जाएगा। तो आज संडे है इस करके बंद है, तो हम जा नहीं सकते। और ये जो हमारे साथ लड़का है इसको पता नहीं है सर्टिफिकेट कहाँ मिलता है, इसको दिखाऊंगा अभी फ़ोटो तो फिर शायद समझ जाए। मैगजीन है भाई इधर, ये खोलन गए हूँ साढ़े लिए ताला खोल रहे हैं मैगजीन का। और देखो इन्हों का सारा सामान वगैरह, जूते वगैरह, कापियाँ, किताबा जो भी है, हाँ देखो सामान पिया सारा कुछ। ओमियाकोन हम घूम के आ गए हैं, तो हमारे पीछे ओमियाकोन है, वापस उनके गांव जा रहे हैं, और हमको रजिस्टर करने वाला नहीं मिला क्योंकि आज था संडे, तो मतलब जैसे सरकारी दफ्तर बंद रहते हैं तो वैसे ही वो सरकारी दफ्तर भी बंद था, तो हम ना तो अपना नाम रजिस्टर कर पाए रजिस्टर में, ना ही सर्टिफिकेट ले पाए, वैसे वो तो ले भी नहीं पाते हमारे पैसे नहीं थे, पर सर्टिफिकेट की फ़ोटो तो खींच सकते थे, कभी आगे आते तो हम लेके चले जाते, पर आज संडे होने के कारण वो बंद था। तो पता नहीं कौन से कितने इंडियन आए होंगे यहाँ पे, शुभम 4th था, तो उसके बाद शायद शुभम बता रहा था, 2-3 लोगों ने उसको टैग किया था स्टोरी में कि हम भी आए हैं, तो पता नहीं कौन से नंबर, मतलब मेरे को ऐसे नंबर से कोई मतलब तो नहीं है 1st, 2nd, 3rd, पर ये हो जाता कि हाँ भाई इतने आए, तो मतलब जानने में थोड़ा मज़ा आता, सही कह रहा हूँ ना। तो कई नाम होते हैं ना, गुमनाम रह जाते हैं, वो हमारे साथ हो गया कि हमारा नाम, अब जो अगला बंदा आएगा उसको तो नहीं पता होगा हम आए हैं, तो हम गिनती में नहीं आएंगे यहाँ पे कि हम आए भी थे कभी, पर जो हमारी होस्ट है इनसे हमने कह दिया है कि अगर आप कल हमारा रजिस्टर करा पाओ तो बताना, लिख के आ जाना हमारा नाम। तो पता नहीं इनको कितना समझ में आया, क्योंकि यहाँ पे लोगों को पता नहीं है इस चीज़ के बारे में ना इतना,
क्योंकि ये टूरिस्टिक चीज़ है, इनको क्या करना। तो अभी जा रहे हैं वापस गांव और हमारी टैक्सी 2-1 बजे आ जाएगी, 2:15 तो होने वाला है, 2:15 भी। तो चलो, अगर आप में से कोई आए तो देखना, अगर नाम लिखा जाएगा तो मैं इस वीडियो में ऐड कर दूँगा, उनसे कह दूँगा वीडियो दे देना, और नहीं लिखा गया तो आप में से कोई आया तो मैसेज कर देना और मेरा नाम भी लिख जाना। आज की तारीख है कितनी है, 14 नवंबर 2021।